हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने अप्रैल और मई के मंथ में ये पढ़ा हुआ था मैटर इन आर सराउंडिंग, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया था, मैटर होते कौन है और उनके क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि मैटर होता क्या है, मैटर MA मतलब मास, जिनमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो हमारा क्या होता है, मैटर। मैटर की हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर फॉर्म हुआ होता है, दे मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्लियर है ये चीज, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। There are some space present between them. The force act between them are called interparticle force. Interparticle force, अगर particle molecule है तो molecular, atomic है तो interatomic force. ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उनके बीच space होता है, उस पर based activity थी, बहुत सारी वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि matter physical state के basis पे solid, liquid and gas. Three नॉर्मल फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा दो और देखा था हम लोगों ने, बोस आइंस्टीन एंड प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा के कारण बल्ब जैसे और नियॉन बल्ब होते हैं वो ग्लो करते हैं, सन की बात करें अगर वो भी प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करता है, ठीक है। ये प्लाज्मा की स्टेट थी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इनके बारे में डिटेल में, ठीक। PT1 में इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व की, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए थे और PT1 का एग्जाम भी आप लोगों ने अच्छे से दिया, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, जो भी मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया तो हमारे आसपास में बहुत सारे मैटर होते हैं सराउंडिंग में, लाइक मार्कर, ठीक, टेबल, चेयर, फैन, ये सब जो मैटर हैं, लिक्विड वाटर की बात करें, ठीक, ये सब के सब मैटर जो हैं वो हमारे पास जितने हैं वो प्योर हैं कि इम्प्योर, इस चीज़ पे बात करेंगे। तो अगला चैप्टर जो हमारा है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास में जो सराउंड में मैटर हैं वो प्योर हैं या इम्प्योर है, तो इस चीज़ पे बात करेंगे। उसके लिए अगेन मैटर को क्लासिफाई किया, क्या क्लासिफिकेशन हुआ वो आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को अपने सराउंड में समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक, एक पर्सन है बी, ठीक। पर्सन ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो वाटर यूज करते हैं, वाटर मींस ड्रिंकिंग वाटर, ये जो यूज करते हैं ये प्योर है कि इम्प्योर है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। जैसे हम लोग बात करें घी यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, मिल्क हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, फ्रूट्स यूज करते हैं, फ्रूट्स यूज करते हैं, ये सब के सब जितने भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब की सब चीजें प्योर हैं कि इम्प्योर है, ये इम्पोर्टेंट है। वाटर, घी, ऑयल, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी लिख लो, वेजिटेबल्स, ये सब के सब प्योर हैं कि इम्प्योर है, ये सब के सब मैटर तो है क्योंकि सबके पास मास भी है, सब ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, प्योर है कि इम्प्योर है ये समझना। तो पर्सन ए जो कि हम लोगों जैसा है, ठीक, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, पर्सन बी एक साइंटिस्ट है, पर्सन बी क्या है, एक साइंटिस्ट है, पर्सन ए इज अ नॉर्मल पीपल विच इज नॉट बिलोंग टू द साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ठीक। तो पर्सन ए के अकॉर्डिंग ये जो भी चीजें वो देख रहा है, ये जो भी चीजें वो देख रहा है, वो ये मानता है कि ये सब की सब चीजें क्या है, प्योर अकॉर्डिंग टू ए,
अकॉर्डिंग टू ए ये सब की सब चीजें क्या है, प्योर है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हम लोग इसे बोलते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर देना, वाटर प्योर वाटर देना, मिनरल वाटर देना, वो प्योर वाटर है, ठीक। ये सब हम लोग बोलते हैं घी मिल्क या जो फ्रूट जैसे एप्पल लिया हम लोगों तो बोलते क्या है कि वो प्योर है, ठीक। घी लिया तो बोलते हैं क्या है, प्योर है। वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो क्या है, प्योर है। लेकिन एग्जैक्टली वो प्योर है कि नहीं है, वो हम लोगों ने एक पर्सन ए के बेसिस पे देखा तो ये चीजें क्या है, प्योर है। लेकिन पर्सन बी जो कि साइंटिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग इट इज इम्प्योर अकॉर्डिंग टू पर्सन बी। पर्सन बी के अकॉर्डिंग दीज आर मिक्सचर, दीज आर मिक्सचर, मिक्सचर इज नॉट प्योर। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग, इस चीज को समझें मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर को समझने के लिए आप एक काम करो, वाटर में शुगर ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ये एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अगर उसमें दो टाइप के पार्टिकल दिख गए, दो टाइप के पार्टिकल्स दिख गए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। और उसमें केवल अगर एक टाइप के पार्टिकल हैं, मतलब अगर हमारे पास केवल वाटर के पार्टिकल्स हों तो वो मिक्सचर नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, प्योर होगा। वो हमारा क्या होगा, प्योर होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, साइंटिफिक क्या था और नॉन साइंटिफिक क्या था। साइंटिफिक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें इम्प्योर हैं, लेकिन पर्सन ए जो कि एक नॉर्मल पीपल है विच इज नॉट बिलोंग्स टू द साइंटिफिक मेंबर और साइंटिफिक फैमिली और जो भी होता है, तो वो क्या है, उनके अकॉर्डिंग ये चीज क्या है, प्योर है। अब इसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीज़ों के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि हमारा मैटर कौन सा प्योर होगा और कौन सा इम्प्योर होगा। वहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आप समझिए और खुद समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या रीज़न है जो ये इम्प्योर है, आखिर क्या रीज़न है कि ये इम्प्योर है, इम्प्योरिटी का रीजन क्या है, साइंटिस्ट इसको इम्प्योर क्यों बोलते हैं और हमको ये प्योर क्यों समझ में आता है। समझ गए बात, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।